हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट मतलब समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। तो समुच्चय हमारे लगभग 10 प्रकार के होते हैं, तो हम सीरियल वाइज एक एक समुच्चय पढ़ेंगे। तो हमारा इस क्रम में पहला आता है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट जैसा कि नाम से, एम्प्टी मीन्स खाली, मतलब इसे रिक्त समुच्चय भी कहते हैं। मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो, तो क्या कहलाता है हमारा एम्प्टी सेट। कोई अवयव ना हो, जैसे हम ले ले एक सेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इज ऑड नंबर। तो क्या किसी ऑड संख्या का स्क्वायर करने पर सम आएगा? तो कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा, तो यह एक एम्प्टी सेट है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट। A set containing no element is called empty set. मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम लेते एक समुच्चय x such that x square is equal to 4, x is a ऑड नंबर। तो यहां देख रहे क्या किसी भी संख्या का, किसी भी ऑड संख्या का स्क्वायर करने पे क्या सम आएगा? कभी नहीं आएगा। तो अतः इसमें कोई भी अवयव नहीं है। तो कोई भी अवयव नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं। मतलब इसको हम हमेशा डिनोट किससे करते हैं? फाई से। फाई फाई क्या है? एक ग्रीक वर्ड है ये। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स कहां तक बिलोंग कर रहा है? 4 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। तो क्या 4 से बड़ा और 5 से छोटा एक नेचुरल नंबर? तो हम जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, जो काउंटिंग नंबर होता है हमारा। तो 4 और 5 के बीच में हमेशा फ्रैक्शन है, पॉइंट वाला संख्या आएगा, अतः नेचुरल नंबर हमारा काउंटिंग नंबर होगा। तो इसके बीच में भी कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा, अतः ये क्या हो जाएगा हमारा 5। ठीक, जैसे ही जानते हैं एम्प्टी सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं। अगर हम इसी को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दें, तो क्या यह एम्प्टी सेट होगा? नहीं, क्योंकि जब भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि इसमें एक एलिमेंट है। तो यह क्या हो जाएगा? 1 एलिमेंट। अतः यह हमारा एम्प्टी सेट नहीं होगा, नो एम्प्टी सेट। मतलब एम्प्टी सेट को दर्शाने के लिए हमेशा हम फाई का यूज करते हैं। अगर हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक कर्ली ब्रेसेस और बना लें, तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसके अंदर ये क्या हो जाएगा हमारा एक एलिमेंट हो जाएगा या एक तत्व हो जाएगा। मतलब एक तत्व प्रेजेंट है तो यह एम्प्टी सेट नहीं होगा। जब भी इस तरह से लिखा रहे तो ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं होगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट। अब हम बात करते हैं हमारा फाइनाइट, इनफाइनाइट और सिंगलेशन सेट। तो पहले हम सिंगलेशन सेट से बात करते हैं। तो सिंगलेशन सेट हमारा क्या होता है? एकल समुच्चय। मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें ओनली एक तत्व हो। मतलब ए सेट विच हैव कंटेनिंग only one element is called singlation set. मतलब कहने का एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही तत्व हो, क्या कहलाएगा हमारा? सिंगलेशन, एकल समुच्चय। जैसे एग्जांपल
हम एक सेट लेते हैं x such that x is a natural number, कहां से कहां तक x 4 से बड़ा 6 से छोटा, तो हम देखते हैं कि x एक नेचुरल नंबर है जो 4 से बड़ा और 6 से छोटा है, तो 4 से बड़ा 6 से छोटा तो मतलब इसके बीच में एक ही तत्व आएगा 5, तो हमारा ये क्या है सिंगलेशन सेट, मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही तत्व हो, क्या कहलाएगा हमारा सिंगलेशन सेट। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं x square is a natural number, हमारा x square is equal to 4, x is a natural number, तो हम x square is equal to 4 इसको सॉल्व करते हैं, x square is equal to 4 तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2, मतलब एक तो आएगी माइनस 2 और दूसरा आएगी प्लस 2, लेकिन हमारा इसमें दे रखा है कि x क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता हमारा काउंटिंग संख्या क्या होती है जो एक से स्टार्ट होती है, अतः इसमें हम माइनस 2 को नहीं लेंगे केवल प्लस 2 को लेंगे, अतः इसमें एक ही तत्व होगा 2, तो यह हमारा क्या हो जाएगा सिंगलेशन सेट। अब हम बात करते हैं फाइनाइट सेट की, तो फाइनाइट सेट जैसा नाम से क्लियर है फाइनाइट मतलब यह एक ऐसा सेट होगा जिसके अवयवों की संख्या को हम काउंट कर सकेंगे, मतलब ए सेट विच हैव कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, मतलब ए सेट विच हैव a set which have containing countable number of element is called finite set। मतलब कहने का एक ऐसा समुच्चय होना चाहिए जिसमें अवयव की संख्या को हम काउंट कर सके, मतलब क्या कहलाएगा फाइनाइट सेट। ऐसे एग्जांपल मिलते हैं x such that x is a natural number, less than 100 मतलब 100 से कम हो, या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1, 2, 3 केवल 3 डॉट लिखेंगे 100। तो इसमें देखा है हम जो तत्व है उसको हम काउंट कर सकते हैं, अतः यह क्या हो जाएगा हमारा एक फाइनाइट सेट। फिर हम बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की, तो इनफाइनाइट सेट मतलब अपरिमित समुच्चय है, यह एक ऐसा समुच्चय होता है जिसके अवयवों की संख्या को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, मतलब ए सेट विच हैव वी डू नॉट काउंटिंग a set which have we do not counting number of element is called infinite set। मतलब कहने का यह एक ऐसा सेट होता है जिसके अवयवों की संख्या को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, या फिर दूसरे वर्ड हम कह सकते हैं a set which have containing uncountable number of elements, मतलब ये ज्यादा सही रहेगा a set which have containing
अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। मतलब एक ऐसा सेट जिसके अवयवों की संख्या को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, क्या कहलाएगा हमारा काउंट इनफाइनाइट सेट। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, एक सेट ले लें x such that x is a natural number, natural number, ये तो क्या रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म। अगर इसको रोस्टर फॉर्म हम लिखेंगे तो नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5। अब ये कहां तक है हम काउंट इसको नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। इसी तरह हम इंटीजर का भी सेट ले सकते हैं, उसमें भी माइनस इनफाइनाइट तो प्लस इनफाइनाइट होता है, सो इट इज नॉट, इट इज इनफाइनाइट सेट। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम बात करते हैं इक्वल सेट। तो इक्वल सेट हमारा क्या होता है कि इक्वल सेट मतलब दो ऐसा समुच्चय होना चाहिए जिसमें दोनों समुच्चय में के अवयव मतलब तत्व बराबर हो, तो वो क्या कहलाता है इक्वल सेट। मतलब टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। मतलब वही जो ए में तत्व हो वही बी में ही तत्व हो, तो हम कहेंगे कि सेट ए किसके बराबर, सेट बी के बराबर। जैसे एग्जांपल एक हम सेट लेते हैं 1, 2, 3, 4 और दूसरा सेट लेते हैं 4, 3, 1, 2। तो इसमें देख रहे हैं हमारा सेट ए में 1, 2, 3, 4 है और सेट बी में 4, 3, 1, 2 है। मतलब एलिमेंट तो वही है बट इसका ऑर्डर चेंज है, क्रम चेंज है। तो हमें क्रम से मतलब नहीं है, मतलब हमें बस तत्व से। अगर दो सेट में तत्व समान है उसके एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हो तो हम कह सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। इसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि सेट एक्स लेते हैं ए बी सी डी और सेट वाई ले लेते हैं डी ए बी सी। तो इसमें भी देख रहे हैं हम कि एक्स सेट में ए बी सी डी है, वाई सेट में डी डी ए बी सी है, तो एग्जैक्टली सेम दोनों एलिमेंट है। तो यहां हम बोलेंगे सेट एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, सेट y के बराबर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम एक सेट लेते हैं 1, 2, 3 दूसरा सेट लेते हैं 3, 1, 2, 4 तो क्या a और b बराबर है। तो हम देखें a में 1, 2, 3 है, b में भी 1, 2, 3 है, लेकिन एक ये एलिमेंट एक्स्ट्रा आ रहा है, अतः a इज नॉट B। सो प्लीज पॉज द वीडियो नोट डाउन। हम बात करते हैं क्वेश्चन पे, फाइंड टाइप्स ऑफ सेट। मतलब हमें कुछ एग्जांपल दे रखा है, अब इसमें कौन सा किस तरह का सेट है ये हमें पता करना है। तो पहला हम देख रहे हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x-4, x-5 = 0 है। तो ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है, कि वेक्टर वायर सेट है, कि सिंगलेशन सेट है, किस टाइप का सेट है, हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो हम पहले इसका फैक्टर देखते हैं x-4, x-5 = 0 है। दो प्रोडक्ट का जीरो होने का मतलब या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। अगर हम x-4 = 0 करते हैं तो यह आता है x = 4। सेकेंड वाले को लेते हैं x-5 तो आ जाएगा x = 5। मतलब यहां दो एलिमेंट मिले हैं तो इसको हम लिखेंगे 4 और 5। तो अब देख रहे हैं 4 और 5 इसका एक सॉल्यूशन है और साथ ही साथ ये दोनों संख्या जो है क्या हमारे नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, अतः इसमें जो एलिमेंट है उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो अतः ये क्या हो जाएगा हमारा एक फाइनाइट सेट। तो दिस इज द फाइनाइट सेट।
सेकेंड बात कहते हैं एक्स आ जाए, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू नाइन। पहले इसको सॉल्व जोड़ा कर लें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन, तो ये क्या हो जाए, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस थ्री मिलेगी। बट हमें साथ ही बोला है कि एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करना चाहिए। तो हम जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा, जो वन से स्टार्ट हो इनफिनिटी तक जाता है, मतलब काउंटिंग संख्या। तो इसमें एक माइनस तीन है, दूसरा प्लस तीन है, तो माइनस तीन को तो नहीं लेंगे, इसको लेंगे प्लस तीन को। तो यहां देखेंगे इसका जो एलिमेंट है तीन है, तो एक तरह से देखेंगे तो सिंगलेशन सेट भी होगा। क्यों? क्योंकि एक ही तत्व है, और साथ ही साथ फाइनाइट सेट भी होगा क्योंकि इसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिंगलेशन सेट, सिंगलेशन सेट। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं, देखते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा पूरा सवाल है। तो पहले हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे वह नेचुरल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो ये जाएगा 4x इक्वल टू वन, तो x की वैल्यू 1/4, मतलब ये 0.25। बट हमें x क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर। तो जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, जो एक से स्टार्ट होता है काउंटिंग नंबर। तो यह हमारा एक फ्रैक्शन वैल्यू है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, अतः इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो यह क्या है हमारा एम्प्टी सेट। नेक्स्ट बात कहते हैं x सच डेट x बिलोंग्स टू n एंड x इज इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर वह संख्या जो दो से डिविजिबल हो, तो विच इज डिविजिबल बाय टू, विच इज डिविजिबल बाय टू इज कॉल्ड इवेन नंबर। तो दो से डिविजिबल हम लिख लें, तो इसको हम लिखेंगे सो टू हो जाएगा, फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व, कहां तक ये तो दिया नहीं। तो अब इसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट।